नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में और आज हम लेकर आए हैं मैकेनिक्स। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास से हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम उस पर एमसीक्यू लाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप उसे कर सकते हो। इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ऑप्शन है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। इसका आंसर होगा हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन पर वर्क करता है हमारा वॉशिंग मशीन। दोस्तों ध्यान रखना एक बात, एक होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, लेकिन हमारा यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल है, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। ध्यान रखना इसको, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। एक हमारा होता है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? जब हमारा किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता तब हम डायलाइजर का यूज करते हैं अपने शरीर में, ताकि हमारा किडनी का यूज क्या होता है, हमारा किडनी का यूज होता है हमारे शरीर में हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकालना और ब्लड को प्यूरीफाई करना। तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता तब हम डायलाइजर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस हो गया आपका। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है दोस्तों? डिफ्यूजन तो आपने सुना होगा, एक बायोलॉजी में भी सुना होगा, ये केमिस्ट्री में भी सुना होगा। तो बायोलॉजी वाला टर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने एक कोई अगरबत्ती घर में जलाया है और कुछ देर बाद उसकी सुगंध पूरे घर में आ जाती है, वो किस प्रोसेस के कारण होता है? ये होता है हमारा डिफ्यूजन के कारण होता है। वैसे परफ्यूम है, परफ्यूम कोई लगाता है उसकी खुशबू किसी और के पास चले जाती है, किस वजह से? डिफ्यूजन की वजह से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी आपको पहले बता दे तो क्या होता है, वैसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है, तो हम कहते हैं उसे वेक्टर क्वांटिटी। एक होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, उसे कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। तो हमें यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी पूछा है। तो टाइम क्या होता है? ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम आंसर क्या हो गया? सी। आंसर क्या हो गया? सी। और डिस्प्लेसमेंट में हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या होता है? स्पीड हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी। अगर स्पीड की जगह यहाँ वेलोसिटी रहता तो हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ। फोर्स किसका प्रोडक्ट है? किसका प्रोडक्ट है? मास एंड वेलोसिटी का, मास एंड एक्सीलरेशन का, या वेट एंड एक्सीलरेशन का, या फिर वेट एंड वेलोसिटी का। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया आंसर। ये भी पूछा जाता है, फोर्स हमारा कौन से न्यूटन से कौन से लॉ से आता है? तो हमारा ये फोर्स कौन से न्यूटन कौन से लॉ से आता है? ये हमारा न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनर्जी ऑफ विंड इज। द एनर्जी में विंड में कौन सा एनर्जी होता है? ओनली पोटेंशियल, ओनली काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल, काइनेटिक, बोथ। तो इसका आंसर हमारा हो गया ओनली काइनेटिक। ओनली काइनेटिक होता है इसके अंदर। इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ आपको, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड या विंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी विंड एनर्जी होता है ना, उसे हम पहले वो काइनेटिक एनर्जी के यूज करके वो कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो आगे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको अच्छी तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, इन द विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी आपको ऊपर बताया मैंने, अभी आपको विंड पावर क्या यूज करता है? काइनेटिक एनर्जी। काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, विंड पावर कौन सा एनर्जी यूज करता है? एक काइनेटिक एनर्जी यूज करके कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए। तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी मैं आपको। तो एक विंड टर्बाइन आपको सुना होगा, विंड टर्बाइन क्या होता है? विंड टर्बाइन सुना होगा आपने इसके बारे में, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। कैसे होता है विंड टर्बाइन? पहले काइनेटिक एनर्जी का यूज करके, यहाँ पे रहा,
काइनेटिक एनर्जी का यूज करके पहले फिर उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल में मिलता है। तो विंड टर्बाइन से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है हमें, इसलिए इसका यूज देख लो आप। और दोस्तों आपको कन्फ्यूजन का विंड टर्बाइन, विंड पावर या फिर विंड एनर्जी ऑफ विंड मतलब एक ही है उसका, जहां पर आपको ये दिख गया मतलब वहां पर काइनेटिक एनर्जी का यूज होगा, काइनेटिक एनर्जी से यूज होकर मैकेनिकल एनर्जी, फिर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज द ट्रेन स्टार्ट मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सीटिंग इन साइड द ट्रेन बैकवर्ड बिकॉज ऑफ, क्यों होता है ये? जैसे कि ट्रेन स्टार्ट होता है तो हमारा हेड पीछे की तरफ हो जाता है, क्यों होता है ये? ये ऑप्शन दे रखा हमारा, इनर्सी ऑफ रेस्ट, इनर्सी ऑफ मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, कंजर्वेशन ऑफ मास और इनर्सी ऑफ डायरेक्शन या इनर्सिया ऑफ रोटेशन। तो आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जो जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जैसे जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है मोशन में रहेगा। तो इसमें जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्सिया, लॉ ऑफ इनर्सिया किससे आता है, लॉ ऑफ इनर्सिया भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आता है, ये हमारा गैलीलियो ने बताया था, गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्सिया के बारे में। तो जैसे कि हम जैसे ट्रेन स्टार्ट होती है हम पीछे की धक्का खाते हैं, पीछे की ओर हमारा सर हो जाता है, क्यों होता है ये हमारा होता है इनर्सी ऑफ रेस्ट, इनर्सिया को रेस्ट की वजह से होता है, रेस्ट की वजह से होता है। तो लॉ ऑफ इनर्सिया, लॉ ऑफ इनर्सिया के चार पार्ट होते हैं, जैसे लॉ ऑफ इनर्सिया हो गया, इनर्सी ऑफ रेस्ट हो गया, इनर्सी ऑफ मोशन हो गया, इनर्सी ऑफ डायरेक्शन हो गया, इनर्सी ऑफ रोटेशन हो गया। मतलब कोई रेस्ट में, लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है, इस ऑप्शन में इसका आंसर ये है, तो इसका मतलब बता देता आपको। इनर्सिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये है, अगर जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहना चाहता है, जैसे कि ट्रेन रेस्ट में था और हमारा जो पैसेंजर था उसके अंदर वो भी रेस्ट में था, तो अभी ट्रेन स्टार्ट हुआ है, ट्रेन तो स्टार्ट हो गया लेकिन हमारा जो पैसेंजर है उसको अभी भी खुद को उस रेस्ट में रहना रखना चाहता है, जिस वजह से वो पीछे की तरफ जर्क महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन द रोड, हमें आइस पर चलने में क्यों दिक्कत होता है, अगर हम रोड से कंपेयर करें तो हमें आइस पर चलने में दिक्कत क्यों होती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है, आइस इज हार्डर देन रोड, रोड इज हार्डर देन आइस, आइस डज नॉट ऑफर एनी रिएक्शन व्हेन वी पुश इट विद आवर फुट, या फिर आइस हैज अ लेसर फ्रिक्शन देन द रोड। तो इसका आंसर सब पता होगा आपको, ये सबको सबको ये, आइस हैज अ लेसर, तो आइस पर क्या फ्रिक्शन कम होता है जिसकी वजह से चलने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है? द एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, के इज इक्वल एफ इज इक्वल टू के इंटू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, जी एम इज इक्वल टू जी ई बाय सिक्स। तो इसका आंसर है हमारा ए, फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या है हमारा, जी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू बाय आर स्क्वायर। जी की वैल्यू ये कैपिटल ध्यान रखना, कैपिटल जी होता है एक स्मॉल जी होता है, एक कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी क्या होता है, ये हमारा कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, आप कहीं भी चले जाओगे तो इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स 2 होता है। इसकी यूनिट भी काफी इंपोर्टेंट है, ये भी याद रख सकते हो आप, काफी इंपोर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है इसकी यूनिट। और ये जो जी की वैल्यू है ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है, सबसे वीकेस्ट फोर्स। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने, ध्यान रखना हेनरी कैवेंडिश ने जी की वैल्यू खोज की थी। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू किसने खोज की, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की थी हमारा न्यूटन ने, ध्यान रखना। ये फॉर एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम वन बाय आर स्क्वायर ये पूरा दिया था हमारा न्यूटन ने, बट ओनली जी की वैल्यू खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक होता है हमारा स्मॉल जी, स्मॉल जी क्या होता है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो हमारे जी की वैल्यू तो फिक्स रहती है, कैपिटल जी की वैल्यू हर जगह फिक्स रहती है, लेकिन जी की वैल्यू ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। जैसे मून पर चले जाते हैं तो इसकी वैल्यू जी, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे आपका वेट यहाँ पर अर्थ पे 60 केजी है तो हमारा मून पे क्या हो जाएगा, तो मून पे हो जाएगा 60 बाय 6 मतलब कि 10 केजी हो जाएगा, ये भी ये ऑप्शन देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे हम कहते हैं माइक्रोफोन कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं या फोटो सेल कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, उसे हम कहते हैं जनरेटर, डायनोमो, जैसे दूसरा नाम होता है डायनोमो, उसे डायनोमो भी कहते हैं। जो मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में,
और दोस्तों माइक्रोफोन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना इसको, जो साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्या साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ध्यान रखना है कि स्पीकर होता है दोस्तों, स्पीकर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में। ये हमारा माइक्रोफोन है, तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन टू द मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं, फोटो सेल कहते हैं, डायनामो कहते हैं, माइक्रोफोन कहते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना है, मैकेनिकल में, तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार पूछा जा चुका है, ये तो होमवर्क था, कोई नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको, इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करता है उसे इलेक्ट्रिक मोटर, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है उसे कहते हैं जनरेटर या डायनामो। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें थियरी पूरा थियरी देखेंगे कंप्लीट, उसके बाद हम उस पर एमसीक्यू लाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप प्लीज कर दीजिए इसको, इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी।